फ्रेंड्स, मैं हूँ मरियम और आज मैं आई हूँ आपसे बात करने खतरों के खिलाड़ी के एपिसोड के बारे में जो कि आज आया था। और ये बहुत ही मज़े का एपिसोड था। 20 अगस्त का एपिसोड की बात कर रही हूँ मैं। ये बहुत मज़े का एपिसोड था एंड इसमें मज़ा आया देखने में। जितने भी टास्क थे बहुत अच्छे टास्क मिले थे। पहला टास्क जैसे कि जो जूरियों में बटा उसमें थे मोहित और प्रतीक, फिर ये जन्नत एंड कनिका एंड राजीव एंड जन्नत एंड फैसो। तो फैसो एंड जन्नत ने बहुत अच्छा किया, सारा पूरा टास्क कंप्लीट किया तो बहुत मज़ा आया देखने में। एंड जैसे कि आपने देखा प्रतीक ने क्या किया, ज़रा भी एफर्ट नहीं डाला और गिर ही जाता, लेकिन थोड़ा सा तो एफर्ट डालता तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया क्योंकि मोहित इतना अच्छा और हार्ड वर्किंग है और उसको इतना ख़राब पार्टनर मिला तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि फिर पार्टनर स्टंट नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर जो मेहनत करने वाले हैं वो भी आगे नहीं आ पाते। तो ये सही नहीं लगता मुझे। और राजीव और कनिका का भी अच्छा था, पर कनिका ने पिटरती थी तो उसने भी दो या तीन निकाले, एक उसका गिर गया था तो मज़ा नहीं आया उसका भी टास्क देखने में। और मोहित और प्रतीक में मुझे लगा मोहित ने गलत डिसीजन ले लिया, उसको चाहिए था वो प्रतीक पे रस्सी छोड़ के वो थोड़ा लीन कर ही लेता। मुझे लग रहा था कि उसको करना चाहिए था, वो कर लेता पूरा कंप्लीट, तो वो नहीं आता इसमें ये डेंजर जोन में, तो फिर फंदा नहीं मिलता है तो ये मुझे गलत लगा डिसीजन। और मुझे उसका कनिका और राजीव को भी गलत लगा। कनिका थोड़ा सा वो कर लेती तो राजीव कर लेता क्योंकि उसको हाइट से डर नहीं लगता, कनिका को डर लगता हाइट से, तो मुझे उसका डिसीजन भी गलत लगा। और फिर दूसरा टास्क हुआ जिसमें रुबीना और स्वीति उसमें थे और रुबीना के साथ पार्टनर था तुषार और स्वीति के साथ था निशांत। तो इसमें रुबीना और तुषार ने बहुत अच्छा किया एंड स्वीति और निशांत को फिर फंदा मिला और बहुत अच्छा किया। मज़ा आया देखने में जब सर अपनी मॉम से बात करने लगते हैं तो वो बहुत मज़े का था, तो मज़ा आया देखने में। और दूसरा क्या था, हाँ ये टास्क में फिर फंदा स्वीति और निशांत को मिला। फिर था टास्क जिसमें हाँ जिसमें वो करना था ये मतलब जो वो कम्पीट करना था मोहित और ये प्रतीक को, तो वो वाला टास्क में प्रतीक जीत गया और मोहित को फिर फंदा ही रही है मोहित के हाथ में और वो एलिमिनेशन टास्क अब करेगा और प्रतीक बच गया और उसने कम टाइमिंग में अच्छा कर लिया। सेम फ्लैग्स निकाल के भी 7-7 फ्लैग्स निकाले दोनों ने। प्रतीक ने 8वां निकाला पर उसने हैंग नहीं किया वो, तो ये प्रतीक जीत गया और मोहित आगे डेंजर जोन में एंड वो एलिमिनेशन टास्क करेगा। तो वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है जब इतना अच्छा करने वाला पहले टास्क में मोहित प्रतीक के जैसा आ गया और फिर कर भी नहीं पाया। लेकिन मुझे लगा डिसीजन शायद दूरे गलत हो गए दोनों के, मोहित को चाहिए था कि वो कर लेता, वो लीन हो जाता, गिर भी जाता तो क्या था, कुछ तो कर लेता, कनिका से ज़्यादा कर लेता कम से कम, तो मुझे गलत डिसीजन लगा। और मज़ा आया आज का एपिसोड, बहुत मज़े का था और कल का भी मुझे बहुत मज़े का था होगा ऐसा लगता है। और इसमें आपने देखा जैसे कि सबकी मदर ने अच्छे अच्छे मैसेजेस और वो सब दिए, तो मज़ा आया सुन के। सबकी मदर बहुत क्यूट थी तो अच्छा लगा देख के। और क्या लगता है आपको इस वीक में कौन जाएगा? मुझे ऐसे लगता है कि कनिका ना चले जाए क्योंकि कनिका बिल्कुल भी अच्छा टास्क नहीं कर रही है और बहुत ज़्यादा ही अबॉर्ट और बहुत ज़्यादा ही टास्क को मतलब ठीक नहीं कर पाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कनिका या कौन है निशांत या राजीव, कनिका या राजीव में से किसी को जाना चाहिए। पहले निशांत बहुत अच्छा कर रहे हैं, निशांत जितना हो सकता है उतना हार्डवर्क डाल देता है और तो और उसका ह्यूमर पार्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है निशांत को रहना चाहिए। एंड प्रतीक एंड प्रतीक को तो अब इस बार तो नहीं जा सकता, वो नेक्स्ट टाइम जाएगा शायद,
लेकिन कनिका और राजीव में से किसी को जाना चाहिए। तो आप लोगों को क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं फटाफट से। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।